हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेडिकल माय लाइफ आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम पढ़ेंगे नियोनेटल रिफ्लेक्सेस नॉट ओनली फ्रॉम थ्योरी बट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेशन पार्ट यहां पर मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए ऐड किया है जिससे आपकी क्लिनिकल नॉलेज एनहेंस हो जाए और जो नियोनेटल रिफ्लेक्सेज हैं वो आप एलिसिट करना सीख जाए और आपको ईजिली वो याद हो जाए सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो जो न्यूबॉर्न होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन्फेक्शन के लिए तो जब भी आप नियोनेट पर या फिर न्यूबॉर्न पर एग्जामिनेशन करेंगे योर हैंड मस्ट बी फुल्ली सैनिटाइज एग्जामिनेशन करने से पहले आपको पेरेंट्स का कंसेंट लेना है तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी डेमॉन्स्ट्रेशन वीडियो दिखाई हैं वो सारी पेरेंट्स का कंसेंट लेकर की गई हैं अब एक बात है नियोनेटल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो वन आर पोस्ट फीडिंग करने चाहिए मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के ठीक एक घंटे बाद हमें नियोनेटल रिफ्लेक्सेस को एलिसिट करना चाहिए टोटल एट रिफ्लेक्सेस हम पढ़ने वाले हैं जिनको पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा सबसे पहले हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू एलिसिट अ पर्टिकुलर रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स को समझने के बाद अगेन हम क्या करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देखेंगे और फाइनली हम उस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स की डिटेल्स देखेंगे सबसे पहला है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स रूटिंग रिफ्लेक्स को एलिसिट करने के लिए आपको अपनी फिंगर से लेटरल साइड ऑफ एंगल ऑफ माउथ एनी ऑफ द लेटरल साइड ऑफ एंगल ऑफ माउथ पर स्ट्रोक करना है तो क्या, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे न्यूबॉर्न विल टर्न इट्स हेड टुवर्ड द साइड ऑफ स्ट्राइक तो न्यूबॉर्न के जिस साइड पर आपने स्ट्रोक किया है न्यूबॉर्न अपना हेड उस तरफ टिल्ट कर लेगा आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे सेम साइड का लिप इवर्ट हो चुका है सो यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व इवर्जन ऑफ लिप ऑन द सेम साइड तो अब आपको वीडियो में क्या ऑब्जर्व करना है जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो एलिसिट कैसे किया गया है और हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है देख सकते हैं लिटल साइड ऑफ एंगल ऑफ माउथ पर स्ट्रोक करने से न्यूबॉर्न अपने हेड को सेम साइड पर टर्न कर लेगा सो रूटिंग रिफ्लेक्स का ऑनसेट होता है एट 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और ये फुल्ली डेवलप हो जाता है बाय थर्टी फोर वीक्स ऑफ जेस्टेशन अब जो हमारा ये रूटिंग रिफ्लेक्स है ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है वन मंथ पोस्ट नेटल एज और ये मैक्सिमम थ्री मंथ तक रह सकता है लेकिन अगर रूटिंग रिफ्लेक्स थ्री मंथ्स के बाद भी परसिस्ट कर रहे हैं इट कैन लीड टू बिहेवियरल डिसऑर्डर्स सो दिस इज ऑल अबाउट रूटिंग रिफ्लेक्स नेक्स्ट इज सकिंग रिफ्लेक्स सेम एज रूटिंग रिफ्लेक्स सकिंग रिफ्लेक्स भी 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर स्टार्ट होता है और ये फुल्ली डेवलप होता है 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन अभी हमने पढ़ा था जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर फुली डेवलप होता है अब सकिंग रिफ्लेक्स को एलिसिट कैसे किया जाता है आपको अपनी लिटल फिंगर ऑफ वॉश्ड हैंड आपके हैंड्स प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए आपको लिटिल फिंगर ऑफ वॉच्ड हैंड इंसर्ट करनी है इनटू द माउथ ऑफ न्यू बॉर्न और आपको हार्ड पैलेट ऑफ न्यू बॉर्न को टच करना है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे न्यूबॉर्न विल स्टार्ट सकिंग योर फिंगर्स सो हेयर यू कैन सी ऑन इंसर्टिंग लिटिल फिंगर एंड टचिंग द हार्ड पैलेट न्यू बॉर्न स्टार्ट सकिंग द फिंगर फ्यू डेज बैक जब मैं न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहा था फ्रॉम द नोट्स ऑफ मीनाक्षी मैम फॉर डोंट नो शी इज पीडियाट्रिक ट्यूटर इन प्रेप्लाइडर तो मुझे रूटिंग रिफ्लेक्स पर और न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे मिला है विच प्रिमिटिव न्योनेटल रिफ्लेक्स हेल्प्स मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग तो कौन सा ऐसा न्योनेटल रिफ्लेक्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है आंसर इज रूटिंग रिफ्लेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रीमिटिव नियोनेटल रिफ्लेक्स इज अर्लीस्ट टू डिसअपियर तो नियोनेटल रिफ्लेक्स जो सबसे पहले डिसअपियर होगा वो भी है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स तो यहाँ पर नोट्स में मुझे अच्छी बात ये लगी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मतलब पॉसिबल एम क्वेश्चन है नीट पी के लिए वो अलग से हाईलाइट किए गए हैं और नियोनेटल रिफ्लेक्स जो टॉपिक है वो इजीली याद हो जाए उसके लिए यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में डाटा लिखा गया है और इमेजेस भी दी गई हैं एक बात है यहाँ पर हाउ टू रिमेंबर बॉक्सेस जैसे ए टी एन आर और एस टी एन आर ए सीमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स एंड सीमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स में कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पहले प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर इन्होंने न्यूमोनिक बनाई है सो ऑल इन ऑल दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल न ट्राई प्रप्लाडर अलॉन्ग विद नोट नोट्स का बेनिफिट ये रहता है आप कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं ऑल्सो न्यू यूजर्स के लिए कंटेंट एब्सोल्यूटली फ्री है फॉर फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स सो यू कैन डाउनलोड दी ऐप लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन टिल नाउ वी हैव स्टडीड रूटिंग रिफ्लेक्स सकिंग रिफ्लेक्स अब हमारा जो थर्ड रिफ्लेक्स है वो है पॉमर ग्रैस रिफ्लेक्स तो इसको एलिसिट कैसे किया जाता है आपको अपने इंडेक्स फिंगर को इंसर्ट करना है इनटू द पाम ऑफ न्यूबॉर्न लेकिन अल्नर साइड से और जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे फ्लेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न फिंगर्स अराउंड योर फिंगर्स तो जब आप इस रिफ्लेक्स को एलिसिट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जो न्यूबॉर्न है उसने आपके फिंगर्स को होल्ड कर लिया है सो लेट सी दीडियो एंड लर्न द रिफ्लेक्स तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आपने अपने फिंगर को न्यूबॉर्न के पाम में रखा है तो न्यूबॉर्न ने आपकी फिंगर को होल्ड कर लिया है पामर ग्रैस रिफ्लेक्स 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पर स्टार्ट होता है रूटिंग और सकिंग हमारा 32 वीक्स पर हो रहा था ये 32 का हाफ मतलब 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पर स्टार्ट हो रहा है और ये फुल्ली डेवलप हो जाता है बाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी वीक ऑफ जेस्टेशन पर और ये डिसअपियर कब होता है बाय थ्री टू फोर मंथ्स अब अगर हमारा पामर ग्रैस रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा बिटवीन ट्वेंटी सिक्स वीक्स टू थ्री मंथ्स जब ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है अगर ये एब्सेंट होगा तो हो सकता है ये दोनों साइड एब्सेंट हो मतलब सिमेट्रिकली एब्सेंट हो या हो सकता है ये बॉडी की एक साइड ही एब्सेंट हो दैट इज़ ए सीमेट्रिकली एब्सेंट हो अगर सिमेट्रिकली एब्सेंट होगा तो वो हमारा अपर ब्रेन लीजन का केस बन जाएगा और अगर ए सीमेट्रिकली एबसेंट है तो वो किस वजह से होगा पेरीफ्रल नर्व या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से अब अगर ये परसिस्ट करता है मोर देन सिक्स मंथ्स नॉर्मली थ्री टू फोर मंथ्स तक परसिस्ट करना चाहिए लेकिन अगर सिक्स मंथ से ज्यादा तक परसिस्ट कर सकता है तो क्या होगा अब देखिए सिमेट्रिकल परसिस्टेंस हो सकता है या फिर एसिमेट्रिकल परसिस्टेंस हो सकता है सिमेट्रिकल परसिस्टेंस मतलब दोनों साइड में पर्सिस्ट कर रहे हैं तो ये केस बन जाता है हमारा क्वाड्रीप्लेजिया सेरिब्रल पॉलिसी का और अगर ए पर्सिस्टेंस परसिस्टेंस हो रहा है तो वो किस वजह से हो सकता है हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सेरिब्रल पॉलिसी नेक्स्ट इज प्लांटर ग्रैफ रिफ्लेक्स प्लांटर ग्रैस रिफ्लेक्स ट्वेंटी फिफ्थ वीक ऑफ जेस्टेशन पर अपीयर होता है और सिक्स टू नाइन मंथ पोस्ट नेचुरल एज पर ये डिसअपियर हो जाता है अब प्लांटर ग्रैस रिफ्लेक्स को एलिसिट कैसे करते हैं तो आपको अपने थम को सोल के अगेंस्ट प्रेस करना है न्यू के कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी जस्ट बिहाइंड द टो तो आपको अपने थम से सोल पर प्रेस करना है न्यूबॉर्न के जस्ट बिहाइंड द टो और आपको क्या मिलेगा फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स तो आपको फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स मिलेगा तो अभी आपको वीडियो देखनी है और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है दैट हाउ टू एलिसिट प्लांटर प्लैंटर ग्रैस रिफ्लेक्स प्लैंटर ग्रेस रिफ्लेक्स नॉर्मली ट्वेंटी सिक्स टू नाइन मंथ्स के बीच में प्रेजेंट होता है लेकिन अगर ये एब्सेंट है इसके बीच में तो इट कैन बी ड्यू टू स्पास्टिक सेरिब्रल पॉलिसी और अगर ये ट्वेल्व मंथ से ज़्यादा तक परसिस्ट करता है इट कैन बी ड्यू टू एथेटॉइड सेरिब्रल पॉलिसी एंड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी नेक्स्ट इज एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स ए टी एन आर को एलिसिट करने के लिए आपको क्या करना है इन्फेंट के हेड को एक साइड रोटेट करना है तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा एक्सटेंशन मिलेगा एक्सट्रीमिटीज़ का जिस साइड आपने रोटेट किया है और फ्लेक्शन मिलेगा अपोजिट साइड ऑफ एक्सट्रीमिटी का सो लेट्स सी डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो अगेन एसिमेट्रिकल टोनिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पर स्टार्ट हो जाता है लेकिन ये ज्यादा प्रोमिनेंट कब होगा वन टू थ्री मंथ्स ऑफ एज लेकिन ये हो जाएगा बाय फोर टू सिक्स मंथ्स ऑफ एज अगर ये परसिस्ट करता है इवन आफ्टर सिक्स मंथ इट कैन लीड टू डिफिकल्टी इन टेलिंग टाइम एंड लर्निंग टू रीड इन चाइल्ड अब ए टी एन आर के डिसअपियर होने के बाद क्या अपियर होता है एस टी एनआर दैट इज सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स नेक्स्ट वी हैव स्टेपिंग वॉकिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स स्टेपिंग रिफ्लेक्स को एलिसिट करने के लिए आपको न्यूबोर्न को अपराइट होल्ड करना है सो दैट सोल सो फीट टच इज द सॉलिड सरफेस जब सोल सॉलिड सरफेस को टच करेगा आप क्या नोटिस करेंगे जो न्यूबॉर्न के लिम्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे न्यूबॉर्न चलने की कोशिश कर रहे हैं अब ये जो हमारा स्टेपिंग रिफ्लेक्स होता है ये थर्टी वीक्स ऑफ जेस्टेशन में अपीयर होता है लेकिन थ्री मंथ्स ऑफ एज पर ये डिसअपीयर हो जाता है अब यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है ये जो स्टेपिंग रिफ्लेक्स है ये रीअपीयर होता है एट अराउंड टेन टू ट्वेल्व मंथ्स ऑफ एज Due to which child learns walking. That's why it is also known as walking reflex and dancing reflex. Let's observe again how to elicit stepping reflex. So, till now we have studied rooting reflex, sucking reflex, palmer grass reflex, planter grass reflex.

और आपको पैरा स्पाइनल रीजन को स्ट्राइक करना है फ्रॉम पेल्विस टू नेक आप क्या नोटिस करेंगे न्यूबॉर्न विटरली फ्लेक्स स्पाइन एंड रेजिंग ऑफ हिप विल बी नोटिस टुवर्ड द स्टिमुलेटेड साइड सो लेट्स लर्न हाउ टू एलिसट स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स इज़ मोरोज़ रिफ्लेक्स अब मोरो रिफ्लेक्स को एलिसिट कैसे किया जाता है आपके पास दो ऑप्शन है फर्स्ट इज आपको हेड को एलिवेट करना है विद सपोर्ट बाय योर हैंड अप टू 45 डिग्री तो आपको न्यूबॉर्न के हेड को एलिवेट करना है विद द सपोर्ट ऑफ योर हैंड अप टू 45 डिग्री एंड देन सडनली ड्रॉप या फिर आप क्या कर सकते हैं आपको न्यूबॉर्न के पीछे खड़ा होना है आपको हेड को एलिवेट करना है अप टू थर्टी डिग्री एंड देन सडनली ड्रॉप अब ये एलिसिट करने के बाद क्या होगा देखिए जब आप एलिसिट करेंगे तो रिफ्लेक्स के आपको तीन पार्ट्स दिखेंगे फर्स्ट पार्ट में आपको ओपनिंग ऑफ हैंड्स मिलेगा सेकेंड पार्ट में एबडक्शन एंड एक्सटेंशन मिलेगा अपर लिम का और थर्ड पार्ट में ये जो एबडक्शन और एक्सटेंशन हुआ है सेकेंड पार्ट में वो अब एडक्ट और फ्लैक्स हो जाएगा एंड फॉलोड बाय क्राई दिस इज़ कम्प्लीट मोरो रिफ्लेक्स अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है जो हमारा टर्म बेबी होता है जो टर्म न्यूबॉर्न होता है वो होता है थर्टी सेवन कम्प्लीटिड वीक्स ऑफ जेस्टेशन जिसने मतलब थर्टी सेवन वीक्स कम्प्लीट कर लिए हैं अब जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स है दैट इज एडक्शन एंड फ्लैक्शन ऑफ अपर लिम ये कब अपीयर होता है थर्टी सेवनथ वीक ऑफ जेस्टेशन तो अगर आपको प्रीटर्म और टर्म बेबी में डिफ्रेंशिएट करना है रिफ्लेक्स के बेसिस पर तो आप मोरो रिफ्लेक्स से कर सकते हैं जो प्रीटर्म बेबी होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही एलिसिट होगा लेकिन जो टर्म बेबी होगा उसमें कंप्लीट मोरो रिफ्लेक्स एलिसिट हो जाएगा सो लेट सी द डेमोस्ट्रेशन वीडियो ऑफ मोरो रिफ्लेक्स और आपको उसमें ऑब्जर्व करना है फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स सेकेंड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एंड थर्ड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स और जो मैंने आपको दो मैथड्स बताए हैं एलिसिट करने के वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। you थर्टी डिग्री hmm. जो हमारा मोरो रिफ्लेक्स होता है वो फोर टू सिक्स मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है अब मोरो रिफ्लेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है अगर मोरो रिफ्लेक्स एबसेंट है तो ये सेरिब्रल डिप्रेशन बताता है और अगर मोरो रिफ्लेक्स एसिमेट्रिक है मतलब हमने देखा दोनों जो अपर लिम है उनका एक्सटेंशन फ्लेक्शन एडक्शन एबडक्शन हो रहा है लेकिन अगर सिर्फ एक साइड अपर लिम में क्या दिख रहा है हमें मोरो रिफ्लेक्स दिख रहा है तो वो किस वजह से हो सकता है ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी की वजह से या फिर क्लैविकल फ्रैक्चर की वजह से ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है और अगर हमारा मोरो रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड है तो ये सिग्निफाई करता है सेरिब्रल इरिटेबिलिटी नाउ लेट सॉल्व सम एम सी क्यू ऑफ दिस टॉपिक फर्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस प्रिमिटिव न्योनेटल रिफ्लैक्स ऑप्शन आर मोरो रिफ्लेक्स ए टी एन आर पैराशूट रिफ्लैक्स एंड एस टी एन आर दिस इज यस दिस इज ए टी एन आर सो वी हैव करेक्टली आंसर्ड दिस क्वेश्चन ए टी एन आर में जिस साइड बेबी का हेड टर्न होता है उस साइड एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन होता है और अपोजिट साइड एक्सट्रीमिटीज का फ्लेक्शन होता है तो जब आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसके बाद सॉल्यूशन भी मिल जाएगा जिससे आप इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं तो जो करेक्ट आंसर है उसका भी एक्सप्लेनेशन है और जो बाकी ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन किया गया है उसके बाद यहाँ पर ट्रेजर्स दिए गए हैं ट्रेजर्स में ये टॉपिक एक शॉर्ट फॉर्म में आप रिवाइज कर सकते हैं सारे रिफ्लेक्सेस टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल और अगर आपको टॉपिक या सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहां से नीचे रिकमेंडेड वीडियो पर भी जंप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिमेटिव न्यूनेटल रिफ्लेक्स इज बींग एलिस इन द पिक्चर सो दिस इज रिफ्लेक्स, एटीएनआर पैराशूट एंड एस टी दिस इज रिफ्लेक्स यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज च प्रीमेटिव न्योनेटल रिफ्लेक्स इज बींग डिपेक्टेड इन द पिक्चर दिस इज ये तो आप पिक्चर देख के भी बता सकते हैं विदाउट ऑप्शन दिस इज रूटिंग रिफ्लेक्स विच ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स इज अर्लिएस्ट टू अपियर तो मैंने आपको वीडियो में बताया था जो फर्स्ट पार्ट होता है मोरो रिफ्लेक्स का दैट इज ओपनिंग ऑफ हैंड्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूनेटल रिफ्लेक्सिस होपफुली गाइज़ आप लोगों ने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा और अगर आपको कुछ नॉलेज गेन हुई है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ मेडिकल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट आई कैन गेट अप्रीशिएटेड और आपको इस टॉपिक के नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सो थैंक यू सो मच गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में